सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर अनदर वीडियो। तो यार आज हम बात कर रहे हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड 47 के प्रीव्यू के बारे में। सो आप पता होगा कि इससे जो टाइटल समरी है वो आ चुका है हमें, और मैंने आप सबको पहले ही बोला था कि अगर इससे समरी आया तो मैं इस पर एक न्यू वीडियो जरूर लाऊंगा। सो इससे फाइनली समरी आ चुका है। सो यार आज हम बात कर रहे हैं पोकेमोन स्वॉर्ड एंड शील्ड के एपिसोड 47 के बारे में विथ टाइटल एंड समरी। सो चलो यार बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। लिख रुका है उस पर वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आई होप गाइस कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। सो हम बात करने वाले हैं एपिसोड 47 के बारे में। सो उससे पहले ये कौन सा पोकेमोन है कमेंट बॉक्स में नाम जरूर बताना। सो पहले हम बात कर लेते हैं इस एपिसोड के टाइटल के बारे में कि आखिर इस एपिसोड का टाइटल क्या है। सो इस एपिसोड के टाइटल का नाम है पोकेमोन चैंपियन ग्लटनी किंग डिसीजन बैटल। इस एपिसोड हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा हम इसी टॉपिक बात करने वाले हैं। वैसे एपिसोड रिलीज होने वाला है 27 नवंबर को, मतलब 27 नवंबर को ये एपिसोड रिलीज होने वाला है इसी मंथ में। सो अगर हम समरी को देखें तो हमें देखने को मिल रहा है कि इस एपिसोड हमें देखने को मिलेगा एक चैंपियनशिप। मेरे को स्टार्टिंग में लगा था कि हम इसमें फाइट देखने को मिलेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। हमें देखने को मिलेगा खाने का बैटल कि आखिर कौन सबसे ज़्यादा खा सकता है। जैसे एस के स्नॉल लग था वो जीत चुका था खाने की जो प्रतियोगिता था उसमें, मतलब जो चैंपियनशिप था उसमें। तो इस एपिसोड हमें देखने को मिलेगा कि जो खाने का चैंपियनशिप है वो होने वाला है कि आखिर किसका पोकेमोन सबसे ज़्यादा खाना खा सकता है। सो हमें देखने को मिलेगा खाने की प्रतियोगिता जिसमें आपको पता होगा कि जो एस का स्नॉल लग था वो जीत चुका था, पर हमें देखने को मिलेगा कि एक न्यू चैंपियन है जो है ब्लैजिकन। जी हाँ यार, ब्लैजिकन ये खाने का जो चैंपियनशिप है उसको हमेशा जीतता है, एक वर्ल्ड चैंपियनशिप का विनर है। सो हमें देखने को मिलेगा जो गो का एक पोकेमोन है, आपको पता होगा ये खाने में भुक्खड़ है, मतलब एक भुक्खड़ पोकेमोन है। इस यही जो पोकेमोन है ये पार्टिसिपेट करने वाला है पोकेमोन चैंपियनशिप, मतलब जो खाने की प्रतियोगिता है उसमें। सो काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट जो चैंपियनशिप है होने वाला है क्योंकि जो ब्लैजिकन है वो एक वर्ल्ड चैंपियनशिप में विनर रह चुका है, वो भी खाने के मामले में। सो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है वो भी खाने के मामले में, मतलब जो पोकेमोन चैंपियनशिप है खाने का ये हमें देखने को मिलेगा। और इसमें जो ब्लैजिकन है वही विनर है। जो गो है वो एक न्यू प्लान बना रहा है वो भी जीतने के लिए, मतलब उसके पास एक सीक्रेट सा प्लान है, मतलब उसकी एक स्ट्रेटजी है जिसको जीतने के लिए यूज करने वाला है। तो जो गो है वो इतना जल्दी हार नहीं मानने वाला है, एज वी नो गाइस कि जो हमेशा जो गो है वो इतना जल्दी हार नहीं मानता। सो हाँ हमें देखने को मिलेगा कि जो गो है उसके पास भी एक प्लान है वो भी जीतने के लिए, जो पोकेमोन चैंपियनशिप है खाने का उसको जीतने के लिए। पर हमें देखने को मिलेगा कि जो टीम रॉकेट है फिर से अपने प्लान के साथ जो प्रतियोगिता उसमें अड़चन डालने की ट्राई करेगा। टीम रॉकेट है उसके पास एक खुद का प्लान है ताकि जो ये पोकेमोन चैंपियनशिप है खाने का उसको बीच में अड़चन डाल सके, ताकि शायद मे बी वो खाने को चोरी करने के लिए हो या कुछ और। पर हमें देखने को मिलेगा कि जो गो है उसके पास भी एक प्लान है, जबकि जो टीम रॉकेट है वो उस पोकेमोन चैंपियनशिप में अड़चन डालने के उस पास कुछ प्लान है जिससे वो कुछ चेंजेस करेगा, मतलब फेरबदल करने का ट्राई करेगा, जो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है। सो हाँ यही देखने को मिलेगा, जो पोकेमोन चैंपियनशिप है जो सबसे ज़्यादा खा सकता है वो विनर बनने वाला है, वो अड़चन डालने का ट्राई करेगा इस पोकेमोन चैंपियनशिप, मतलब खाने की प्रतियोगिता में। सो इससे ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर हाँ इस एपिसोड आया तो उसको आप जरूर देखना। सो हाँ यार आज के लिए बस इतना ही, लाइक करो चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऑक्सम टॉपिक साथ। तब तक के लिए बाय बाय।